वेलकम बैक टू माई चैनल हाउस बजट बाय कल्पना। आज हम कलियों वाली लॉन्ग अम्ब्रेला फ्रॉक बनाने वाले हैं, वो भी विदाउट कटिंग। तो ये बहुत ज़बरदस्त और खूबसूरत फ्रॉक बन के निकली है, तो आप ज़रूर इसे ट्राई करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने मटेरियल लिया है, ये मेरा मटेरियल कॉटन और लॉन का मटेरियल है मिक्स। तो आप कॉटन भी ले लोगे तो भी बेस्ट रहेगा, क्योंकि इसके फॉल बहुत अच्छी तरह से आएंगे। तो टोटल मुझे 5 मीटर कपड़ा लगा है, लेकिन सबसे पहले मैंने क्या किया है कि मैंने इस तरह से 4 पीसेस निकाले। वो 4 इसलिए कि 2 फ्रंट में और 2 बैक में। जितना आपका कपड़े का घेरा होगा उतना ही फ्लेयर आपका खिलकर घेरदार बनेगा। तो नॉर्मली हमारे कपड़े की जितनी भी विड्थ होती है उतना आप ले लें, और दूसरा और उसे ऐड करके मैंने इस तरह से जॉइन कर लिया है, क्योंकि हमें ये ऊपर से नीचे तक लॉन्ग चाहिए। तो उसका लॉन्ग मैंने लेंथ 53 रखा है। तो इस तरह से मैंने 2 पार्ट्स को जॉइन कर लिया है, और आप इस तरह से 2 से 4 इंच का आप मार्किंग कर लिए जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे, क्योंकि लाइनिंग करने से आपका जब स्टिचिंग के वक्त कपड़ा यहाँ वहाँ नहीं खिसकेगा तो ये प्रॉपर एक लाइन में आएगी। और स्टिचिंग आपको यूँ 2 या 1 इंच छोड़कर आपको करना है, और यहाँ तक आपको छोड़ देना है। तो ये पूरा क्रॉस में नहीं जाएगा, नीचे तक यूँ जाएगा। और लेंथ इसकी जो नीचे की है मैंने 16 इंच रखी है। तो देखिए इस तरह से आपका पूरा प्लेट्स आ जाएगी। तो ध्यान रखिए प्लेट्स एक के ऊपर एक जॉइन नहीं करनी है, ये सेपरेट स्टिचिंग करनी है, ठीक है जी। तो ये हमारा बन गया है एक पार्ट। इसी तरह से दूसरे बैक पार्ट को भी हमने बनाना है। हमें फ्रंट 21 इंच और बैक 21 इंच चाहिए, क्योंकि ये 36 साइज की मेजरमेंट की कुर्ती है। अगर यहाँ पे ज़्यादा आता है तो आप उससे और प्लीट्स डाल दें, और अगर कम आता है तो आप खोल सकते हैं, इस तरह से आप एडजस्ट कर सकते हैं। स्लीव काटने के लिए 4 फोल्ड लिया है, लेंथ मैंने 26 इंच का रखा है। आप अपने मनपसंद हिसाब से रख सकते हैं। यहाँ पे 3.5 का ड्रॉप लिया है, विड्थ इसकी 9 इंच ली है, और जैसे नॉर्मली स्लीव की मार्किंग करते हैं वैसे कर लिया है। थोड़ा सा हल्का सा चूड़ीदार स्लीव बनने वाला है ये, तो इसलिए इसकी लेंथ थोड़ी ज़्यादा ली है स्लीव की, ठीक है जी। ये जी कट गया हमारा स्लीव, और बस कुछ नहीं, बस हमें इसे ऐड करना है, स्लीव का काम ख़त्म। आपने इसमें और भी डिज़ाइनिंग करनी है तो आप कर सकते हैं। मैंने सिंपल रखा है क्योंकि ड्रेस का ही लुक काफ़ी प्यारा आया है, तो स्लीव को हम थोड़ा नॉर्मल ही रखेंगे। ये लीजिए, अब क्या करना है, मैंने अंदर की ओर लाइनिंग के लिए सिर्फ अपर पार्ट के लिए कपड़ा लिया है। जैसे जो भी मार्किंग है हमारे साइज़ की 36 की, यहाँ पे मैं स्क्रीन पे देते जाऊँगी, उस तरह से ये मार्किंग करके हमने ये बना लेना है। ये इसलिए क्योंकि हमारा जो टॉप का अंदर का जो प्लीट्स है वो अंदर की ओर ढक भी जाए, एंड देन आपका नेक का भी फिनिशिंग प्रॉपर आ जाए। तो ये फ्रंट के लिए कट रहा है, ये लेंथ फ्रंट के लिए मैंने ली थी 15 इंच, और ये 17 इंच का कुछ 2 इंच बढ़ाकर लिया है। जैसे नॉर्मली मैं हमेशा बताती हूँ कि टॉप के लिए अगर आप 2 इंच फ्रंट कम और बैक 2 इंच ज़्यादा लोगे तो चेस्ट लाइन पे बहुत परफेक्टली सेट होती है कुर्ती, ये पीछे की ओर नहीं भागती है। तो कुछ नहीं, सेम जैसे कटिंग या मार्किंग दिख रही है वैसे ही आपको करनी है, और फिर आपका ये रेडी हो जाएगा। ये अंदर अस्तर लाइनिंग का कपड़ा है। आप अगर चाहो तो इसे स्किप भी कर सकते हो, डायरेक्ट आप मेन मटेरियल को भी इसी मेजरमेंट से मार्किंग करके काट सकते हो, लेकिन इस तरह से काटने से आपका और भी ज़्यादा फिनिशिंग के साथ ड्रेस बनकर निकल आएगा। कि लीजिए ये कटिंग हमारी हो गई है। यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने ये जो कट ये दिया है वेस्ट लाइन का ये हम काट रहे हैं, तो ये परफेक्ट बन गया है। अब कुछ नहीं, हमें इसे ही हमारे बैक पे और फ्रंट पे रख के एज इट इज़ काट देना है, ताकि ये इस तरह से जो बैक का है ये पोर्शन अंदर की ओर ढक जाए। वो किस तरह से, देखिए पहले इसको हमने, और यहाँ पे हमने 2 लाइनिंग कच्ची सिलाई लगा देनी है, ताकि जब कटिंग हो तो वो फ्लेयर्स हले ना, तो ये ज़रूर याद रखे। और इस तरह से हमने बैक के ऊपर रख कर इसे स्टिच कर दिया है, सॉरी कट कर दिया है। अब इसी नेक लाइन पर हमने लाइनिंग को यूँ रख देना है, और स्टिच कर हमने नेक लाइन पे
पलट देना है, तो आपको बुकरम लगाने की भी नेक साइड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसी तरह हमने फ्रंट के लिए भी किया है। फ्रंट के लिए हमने क्या किया है, पहले हम इसे रखकर कटिंग कर देंगे फ्रंट वाला पार्ट, क्योंकि फ्रंट पे नेक पे हम थोड़ी डिज़ाइनिंग करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम इसे कटिंग करके रेडी कर देंगे। फिर मैंने इसमें लेसेस ऐड कर दी है, आपके चॉइस के हिसाब से आप जो भी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। देन इसके ऊपर हमने इस लाइनिंग को रख के स्टिच करके पलट देना है, ताकि जो भी सिलाई का पार्ट है वो अस्तर के अंदर चला जाए। अब ये बैक और फ्रंट को हमने जोड़ देना है, जैसे नॉर्मली जोड़ते हैं स्लीव के साथ, और ये रेडी है। तो ये ड्रेस का घेरा इतना खूबसूरत बनकर निकला है कि स्टिचिंग भी आपकी हाइड रहेगी और फ्लेयर भी काफ़ी खूबसूरत बड़ा आएगा। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कॉमेंट करें, और मुझे देखते रहें। थैंक यू, बाय बाय।